दोस्तों, कई बार आपने शेषनाग की कहानियां सुनी होंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब तब शेषनाग उनके साथ अवतरित होते हैं। नागों में सबसे महत्वपूर्ण नाग शेषनाग ही है। ऐसी कथाओं में कहा जाता है कि शेषनाग के 1000 सिर होते हैं और वो अपनी इच्छा से रूप भी बदल सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में शेषनाग से संबंधित सारी बातें बताएंगे। क्या शेषनाग सच में होते हैं या ये सिर्फ एक अवधारणा है? यह शोध का विषय हो सकता है, हालांकि कई जगहों पर उन्हें एक पुरुषों के रूप में चित्रित किया गया है। यह भी कहते हैं कि वे एक इच्छा से नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। धरती टिकी हुई होने का मतलब संपूर्ण धरती नहीं, दरअसल समुद्र के अंदर से प्रकट हुई एक महाद्वीप वाली धरती पूर्व काल में शेषनाग की तरह ही थी। दूसरी ओर नाग मूलतः पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं, इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है, जो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के 1000 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनागी थे। उनकी सांसारिक विरक्ति का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माता और गरुण थे, जिनका आपस में द्वेष रहता था। उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए LA News के साथ। धन्यवाद।